अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं, सॉफ्ट वाला। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सिंपल रेसिपी है। आप सबसे पहले पैन में 100 ग्राम बटर डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, मैंने डाल दिया, चूल्हा ऑन कर लिया। अब आप इसमें एक छोटा कप मैं बना रही हूँ, ये देख लें, ये छोटा कप है। आप कोई सा भी कप मेजर करें, उतनी ही आपने शुगर डालनी है। बस जो भी कप ले लें, ग्लास ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आप इसे भुनें जब तक ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए ना, डार्क नहीं करना, फिर गले गले की स्मेल आएगी। लाइट गोल्डन ब्राउन इसे आप मीडियम पे भुनेंगे, मीडियम पे भुनें, मीडियम चूल्हा कर लें और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करके फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए इसमें आप एक कप शुगर का डाल दें, सेम कप जिससे हमने सूजी को मेजर किया, और तीन छोटी इलायची डाल दें, पांच डाल दें, तीन डाल दें, जैसे भी आपको ठीक लगे, और चार कप इसके पानी के डाल दें। ये चाशनी के लिए आप रख दें। अब आप इसको चूल्हे पे रख दें और इसको हिला हिला के हल्का हल्का इसे बस उबालना है। उबाल के बंद कर दें ताकि ये चीनी नीचे ना बैठी रह जाए। आप हल्का सा मिक्स करते जाएं ताकि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, और इसे उबालना है आपने, और कुछ नहीं करना, कोई इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस देख ले, मैंने मीडियम की हुई है ताकि बिल्कुल नीचे से जले ना, तो जब इसको हल्का सा कलर आ जाएगा तो समझें हमारी सूजी तैयार है। अभी देख लें, कोई कलर नहीं आया अभी तो, मुझे बस एक मिनट ही हुआ है। आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाएं नीचे से, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती होती है, फिर उसमें से हमक सी आएगी फिर अगर आपने ऐसे बना लिया। देख लें, अब बिल्कुल ये नीचे नहीं लग रही है। तो चले, मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। इसकी टाइमिंग का आपने कुछ नहीं देखना, आपने इसको बस कलर का देखना है कि जब हल्का सा कलर आना शुरू होए तो समझे हम इसमें चाशनी ऐड कर देंगे। अब मैं आपको कलर दिखा देती हूँ इसका। अब देखिए, हल्का सा इसके ऊपर माशाल्लाह कलर आया, और इतना ही कलर चाहिए, ज्यादा नहीं हमने करना है। अगर ज्यादा हो जाएगा ना, फिर वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन सा अच्छा नहीं लगता, लाइट कलर ही हमें चाहिए। देखिए, हल्का सा इसके ऊपर कलर आ गया, तो दिस इज इनफ। अब हम अपनी चाशनी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल रहे कि जब आपने चाशनी ऐड करनी है तो थोड़ा पीछे होकर ऐड करें, क्योंकि ये ऊपर को आता है एकदम। अब आप इसे पकाते जाएं, थोड़ा सा तेज कर लें आप चूल्हा। बस ये दो तीन मिनटों में ही आप बहुत जल्दी बन जाएगा, एक मिनट दो मिनट के अंदर अंदर। जैसे ये पानी बस इसका थोड़ा सा फिनिश होना शुरू हो जाए, समझे हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। अगर आपने ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट रखना है ना, तो फिर थोड़ा सा चूल्हा आप जल्दी बंद कर दें, और जैसे ही ये माशाल्लाह तैयार हो तो आप इन्हें फिर प्लेटों में डाल लें, फिर उसी की शक्ल में ये बन जाएगा। चूल्हा मैंने अब तेज़ कर दिया है, तो देखते हैं माशाल्लाह। अब देख लें, ये कलर ऐसा है, तो इससे ज़्यादा कलर हमें नहीं चाहिए। ज़्यादा कलर फिर टू मच डार्क, और ऐसे जले जले का फिर जायका आता है उसमें। तो बस चलाते जाएँ। तकरीबन तीन मिनट मैंने भुना है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिनट, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से हल्का सा कलर लें, बस तीन हो चार हो मिनट, डजन मात्र। अब थोड़ा पीछे हो के आप डोई चलाएंगे, देखें आप ये इसके छींटे ऊपर तक आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम ढक देते हैं, इसको ढकना देके आप बंद कर दें अभी, तो चूल्हा ऑफ कर दें। तो माशाल्लाह ये तैयार है, और ऐसा प्यारा बनता है, ऐसे बहुत टेस्टी बनता है कि अब आप इसे गार्निश कर लें पिस्ते बादाम के साथ। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। आप इसको प्लीज इसी तरीके से बनाइएगा, और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।